हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर एम मकवाना, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वल्लभ बुद्धि पॉलिटेक्निक, नवसारी। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3, कॉस्ट एस्टिमेटिंग इन वेल्डिंग। आज आपने नवो चैप्टर, नवो यूनिट आपनो कॉस्ट एस्टिमेशन इन वेल्डिंग नी शुरुआत करीशू। ओके, आ चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन वेल्डिंग आवशे, फेक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग कॉस्ट, देन एस्टिमेटिंग कॉस्ट एलिमेंट्स फॉर आर्क वेल्डिंग एज वेल एज गैस कटिंग आपने शीखीशू, अने एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गिवन जॉब फॉर गैस कटिंग एंड आर्क वेल्डिंग। आ बधा टॉपिक आपने आ चैप्टर में शीखवाना छे। तो शुरुआत करिए आपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन वेल्डिंग, कया कया एलिमेंट्स है कॉस्टना। तो फर्स्ट है मटीरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट ने थर्ड अदर ओवरहेड्स। ओके, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। मटीरियल कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट फर्स्ट इज मेटालिक सीट और प्लेट स्टॉक, कास्टिंग, स्टैम्पिंग, फोर्जिंग्स एट्सेट्रा। आ बदा मटीरियल वेल्डिंग प्रोसेस में यूज थाय छे, मेटालिक सीट छे, कास्टिंग जॉब के स्टैम्पिंग, फोर्जिंग एट्सेट्रा। ओके, इन दीज आर इन्क्लूडेड कॉस्ट ऑफ ऑल मटीरियल्स यूज इन वेल्डिंग प्रोसेस। इन केस ऑफ गैस कटिंग एंड गैस वेल्डिंग, कॉस्ट ऑफ गैसेज लाइक एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड आर टेकन इन टू अकाउंट। जो गैस वेल्डिंग के गैस कटिंग हो तो एमा जे वपराता गैस छे लाइक एसिटिलिन, ऑक्सीजन, ए केटलू वपराय छे ए आपणे कॉस्ट में गणतरी में लेवामां आवशे। ओके, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वपराय छे ए आपणे गणतरी में लईए छे। अहींया मटीरियल नी वात करिए तो पछी मेटालिक सीट छे, कास्टिंग छे, फोर्जिंग छे, आ बधा मटीरियल वपराय छे एटले एने आपणे मटीरियल कॉस्ट में गणतरी में लईशुं। अनदर मेजर आइटम इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑर वेल्ड वायर, फिलर रोड यूज टू प्रोवाइड फॉर द एडिशनल मटेरियल इन द वेल्ड ग्रू। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज थाय छे, ए केटलो वपराय छे ए पण गणतरी में आवशे कॉस्ट में, फिलर रोड अथवा तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ परचेस्ड पार्ट्स लाइक नट बोल्ट, रिवेट, हिंजीस, लैच एट्सेट्रा। जे परचेस करवामां आवे छे लाइक नट बोल्ट छे, रिवेट छे, हिंजीस छे, ए बधानी गणतरी पण मटीरियल कॉस्ट में आवशे। त्यारबाद द कॉस्ट ऑफ पेइंट्स, कोटिंग्स एंड बॉन्डिंग मटीरियल, पेइंट करवा माटेनो कॉस्ट, कोटिंग करवा माटे अथवा बॉन्डिंग करेलू होय तो एनो खर्चो पण मटीरियल कॉस्ट में गणाशे। कॉस्ट ऑफ मटीरियल वेस्टेज, फिलर रोड एंड इलेक्ट्रोड, जे मटीरियल वेस्ट जाय छे ते फिलर रोड छे अने इलेक्ट्रोडनो कॉस्ट। अने लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ पेकेजिंग मटीरियल्स, जे पेकेजिंग मटीरियल छे एने लगता कॉस्ट। आ बधा कॉस्ट वेल्डिंग कॉस्टनी गणतरी करती वखते मटीरियल कॉस्टमां कैलक्युलेट थशे। देन लेबर कॉस्ट, लेबर एटले मजूरी, तो लेबर कॉस्टनी गणतरी पण वेल्डिंग कॉस्टमां एस्टिमेट करवामां आवे छे। जुओ, आ बधा कॉस्ट छे તે શા માટે આપણે જોઈતા છીએ, બીકોઝ જે પણ જોબ બને છે, કોઈ પણ જોબ આપણે મેન્યુફેક્ચર કર્યો તો એ જોબની ગણતરી કરવી હોય, એના ખર્ચાની ગણતરી કરવી હોય તો ફક્ત મટીરિયલ અને લેબર કોસ્ટ પૂરતું સીમિત નથી એ જોબ, કારણ કે ખર્ચાઓની ગણતરી કરવી હોય તો મટીરિયલ ને લેબર તો ખાલી જોબ બને છે, બટ જે બીજા બધા ખર્ચાઓ છે લાઇક લાઇટ બિલ છે, જે રેન્ટ છે, જે જગ્યા છે એનું ભાડું છે, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓવરહેડ છે, આ બધા અલગ અલગ ખર્ચાઓ પણ એ જોબ રિલેટેડ લાગે છે, પર જોબ એ ખર્ચો પણ ગણવો પડે તો જ આપણને એક્ઝેક્ટ કોસ્ટ કેટલો છે, આપણને પડતર કિંમત કેટલાય પડે છે જોબ આખી, તો જ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીશું। એમ જ આપણે ખાલી મટીરિયલને લેબર કોસ્ટ ગણીને એમ નહીં કહી શકીએ કે આ પ્રોડક્ટ આટલામાં રેડી છે। ધારો કે કોઈ પ્રોડક્ટ મટીરિયલને લેબર કોસ્ટ 40 રૂપિયા થાય છે, બરાબર, તો આપણે એને 45 રૂપિયે સેલ કરવા મૂકી દઈએ 5 રૂપિયો નફો લઈને, તો એમ નહીં, એ ગણતરી નહીં થશે એ, કારણ કે આમાં આ 40 રૂપિયામાં આપણે ફક્ત મટીરિયલ અને લેબર કોસ્ટ જ એડ કર્યા છે, બટ એકચ્યુઅલમાં એને લગતા સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઓવરહેડ કોસ્ટ પણ આવે, એના અધર ઓવરહેડ છે બધા, લાઇટ બિલ છે,
एक्स्ट्रा कॉस्ट है बदा गणतरी में करिए तो कदाच आपने आ 40 रुपयानी प्रोडक्ट 50 में पड़ती हो पर यूनिट तो आपने सेलिंग प्राइस 45 नहीं राखी सके ए टाइमें 55 राखवी पड़ से वेचाण किंमत तो ज नफो मळशे। एटले आ बदा खर्चाओ गणतरी में लेवा पड़े एक्चुअल में खाली बनावा पूरतु सीमित नहीं आ वाइड सब्जेक्ट है जेमा बधुं कैलक्युलेशन करवू पड़े। एटले आ कॉस्टिंग है तो कॉस्ट एस्टिमेशन से बहु इम्पोर्टंट रोल भजवे। ओके तो हवे आपने लेबर कॉस्ट की बात करिए। लेबर एटले मजूरी तो मजूरी ना जे खर्चा है लेबर कॉस्ट केवी रीतना गणतरी में करवामां आवे छे। लेबर कॉस्ट अंडर धीस कैटेगरी कॉस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेल्डमेन आर इन्क्लूडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डिंग टाइम्स आर कैलक्युलेटेड एंड फ्रॉम दैट द लेबर कॉस्ट इज कैलक्युलेटेड। ओके द लेबर कॉस्ट कैन बी सब डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट इज प्रिपेरेशन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेरिंग रॉ मटीरियल फॉर वेल्डिंग वुड इंक्लूड मशीनिंग ऑफ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, मशीनिंग ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स टू शेप एंड द क्लीनिंग ऑफ द फॉरिंग मटीरियल फ्रॉम द सर्फेस टू बी वेल्डेड। आ छे प्रिपेरेशन ने लगता कॉस्ट। बराबर छे के रॉ मटीरियल छे एने आपणे रेडी करीए छे प्रिपेर करीए छे जे वेल्डेड जॉइंट छे एने शेप आपवा माटेनो टाइम छे एने लगता खर्चाओ छे, क्लीन करवा माटेना खर्चा छे, आगळनी सरफेस जे छे एमां फॉरेन मटीरियल पड़ेला होय ते आ बधा खर्चाओ प्रिपेरेशन कॉस्टमां आवे छे। देन नेक्स्ट इज सेटअप कॉस्ट। द सेटअप कॉस्ट इन्क्लूड्स एसेम्बलिंग द पार्ट्स इन द वेल्डिंग फिक्सचर, हीटिंग द पार्ट्स प्रायर टू वेल्डिंग। ओके पार्ट्सनी एसेम्बली जे वेल्डिंगनी छे ते, हीटिंग द पार्ट्स प्रायर टू वेल्डिंग आ बधा खर्चाओ सेटअप करवा माटेना कॉस्टમાં આવશે। देन मटीरियल डिपोजिशन कॉस्ट। धीस कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ वेल्ड डिपोजिट, वेल्ड जॉइंट प्रिपेरेशन, नंबर ऑफ पासीस रिक्वायर्ड फॉर द वेल्ड। वेल्डिंग करवा माटे केटला पासीस रिक्वायर छे के रेट ऑफ वेल्ड शू छे आ बधा कॉस्ट छे ते मटीरियल डिपोजिशन कॉस्टમાં આવશે। पोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन कॉस्ट। धीस कॉस्ट इन्क्लूड्स द कॉस्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन आफ्टर वेल्डिंग सच एज स्ट्रेस रिलीविंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एट्सेट्रा। वेल्डिंग थया बाद जे बीजी प्रोसेस करवामां आवे छे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग छे, एनिलिंग छे, हार्डनिंग छे, एने लगता खर्चाओ पोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन कॉस्टમાં આવશે। ત્યારબાદ મિકેનિકલ ટાઈપ પોસ્ટ વેલ્ડિંગ ઓપરેશન કોસ્ટ। અંડર ધીસ કોસ્ટ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ રિમૂવલ ઓફ ધ એક્સેસ ઓફ વેલ્ડ મેટલ સ્લેગ, વેલ્ડ સ્પ્લેટર, રફ ઓર ફિનિશ મશીનિંગ ટુ ધ વેલ્ડમેન ડાયમેન્શન્સ ઓર મેટલ કન્ડિશનિંગ પ્રોસેસીસ સચ એઝ સ્પિનિંગ, રોલ ક્લેનિસિંગ ટુ રિડ્યુસ ક્રેકિંગ એન્ડ ગીવ સ્ટ્રેન ટુ ધ વેલ્ડેડ પોર્શન્સ આર ઇન્ક્લુડેડ। હવે આ ખર્ચાઓમાં જે મિકેનિકલ પ્રોસેસ બધી થાય છે, કારણ કે વેલ્ડિંગમાં ડિફેક્ટ આવે છે, વેલ્ડ સ્પ્લેટર થાય, વેલ્ડ સ્લેગ થાય છે, ઓકે કોઈવાર રફ સરફેસ આવી જાય છે, આ બધાને ડાયમેન્શનમાં લાવવા માટેનો અને મેટલને સ્મૂથ કોઈકવાર કરવું પડે છે, એને લગતા ખર્ચા, કોઈકવાર ક્રેક નાનો હોય તો એને રિમૂવ કરવા માટેના કોસ્ટ, કારણ કે આ બધી પ્રોસેસથી વેલ્ડિંગમાં સ્ટ્રેન્થ આવશે, આ બધા ખર્ચાઓ છે તે મિકેનિકલ ટાઈપ પોસ્ટ વેલ્ડિંગ ઓપરેશન કોસ્ટમાં આવશે। ધેન ફિનિશિંગ કોસ્ટ। The cost of cleaning welded portion for surface treatments, painting or other type of surface finish is considered under finishing cost. Job ne finish karva mateno cost, ene clean karva mateno ena par surface treatment like painting kariye chhe, aa badha cost finishing cost ma avshe. Ane last chhe tooling cost. Under this cost, the cost of welding fixtures and machining templates are included. Etle aa badha kharchao છે લેબર કોસ્ટમાં કન્સિડર થશે, લેબર કોસ્ટને ડિવાઈડ કર્યા છે આ બધા ખર્ચાઓમાં। ઓકે એને લગતી જે કંઈ પણ મજૂરી થાય છે એનો ટાઈમ ગણી અને લેબર કોસ્ટ ફાઇન કરવામાં આવતો હોય છે। ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ વેલ્ડિંગ કોસ્ટ। આ ક્વેશ્ચન ખાસ આપણે યાદ રાખવાનો છે, એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાય છે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટ। ઓકે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટ, અહીંયા આર્ક વેલ્ડિંગ લખવાનું રહી ગયું છે, આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટ, આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટને કયા કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે। ફર્સ્ટ ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ફોર ક્લીનિંગ ધ પ્લેટ્સ ટુ રિમૂવ ડસ્ટ, ગ્રીસ, રસ્ટ, ઓક્સાઇડ
और एनी अदर फॉरेन मेटल। जे टाइम लागे छे क्लीन करवा माटेनो, कचरो बहार काढवा माटेनो, ग्रीस दूर करवा माटेनो के बीजा कोई पण बाह्य मटीरियल हो एने रिमूव करवा माटेनो टाइम गणतरी में राखवो पड़े छे। टाइम टेकन फॉर टेक वेल्डिंग और होल्डिंग द जॉब इन फिक्सर्स, फिक्सर में जॉब होल्ड करी राखीए छे एना माटेनो टाइम। कॉस्ट ऑफ बेस प्लेट, जे बेस प्लेट वापरवामां आवे छे वेल्डिंग में ए बेस प्लेटनो खर्चो। कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, जे इलेक्ट्रोड्स वपराय छे आर्क वेल्डिंग में एनो खर्चो। लेबर चार्जिस, मजूरी खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेन्सिस सच एज कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशियल मशीनरी और कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क इफ ट्रायल्स आर नेसेसरी ऑन द बेस प्लेट टू ऑप्टिमाइज वेल्डिंग पेरामीटर्स। डायरेक्ट एक्सपेन्सिस पण गणतरी में लेवा पड़े छे, कोई स्पेशियल मशीनरी यूज करी हो के पछी डिफेक्टिव वर्क माटे रिपीट करता हो अमुक प्रोसेस तो एने लगता खर्चाओ आपण अफेक्ट करे छे वेल्डिंग ने, आर्क वेल्डिंग ने। देन इनडायरेक्ट एक्सपेन्सिस, बीजा बधा खर्चाओ और ओवरहेड्स हो तो एने गणतरी में लेवा पड़े छे। कॉस्ट ऑफ पावर कंज्यूम, पावर केटलो वपराय छे ए खर्चो पण गणतरी में राखवो पड़े छे। वेल्डिंग नो टाइम केटलो लागे छे। एफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन नी एफिशियंसी केटली छे। जनरली वेल्डिंग मशीन नी एफिशियंसी 60% 60% गणतरी में लेवामां आवती होय छे। देन फटिक एंड पर्सनल एलाउंसीस फॉर द वेल्डर, वेल्डर ने अमुक छूटछाट आपवामां आवे छे टाइमनी, ए पण गणतरी में राखवी पड़े छे। वेस्ट मटीरियल, स्मॉल इलेक्ट्रोड पीसीस, ओके, वेस्ट मटीरियल छे जे इलेक्ट्रोडना टुकड़ा पड़ी जाए छे ए पण अफेक्ट करे छे फेक्टर। टाइम टेकन टू रिमूव स्लेग फ्रॉम द वेल्डेड बेस प्लेट, जे बेस प्लेट छे एमांथी जे स्लेग छे ए रिमूव करवा माटेनो टाइम पण गणतरी में लेवामां आवशे। कॉस्ट ऑफ पोस्ट वेल्डिंग ट्रीटमेंट्स लाइक स्ट्रेस रिलीविंग और कॉस्ट ऑफ अदर हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग थया बाद जे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करवामां आवे छे एने लगता खर्चाओ। एंड लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ सरफेस कोटिंग प्रोसेसिस लाइक पेंटिंग, एनोडाइजिंग एट्सेट्रा। ओके, छेल्ले सरफेस कोटिंग छे, पेंटिंग पेंटिंग छे, एनोडाइजिंग छे, आ बधी प्रोसेस जो करिए तो एना ए कॉस्ट पण अफेक्ट करशे वेल्डिंगने, आर्क वेल्डिंगमां। ओके, तो आ बधा खर्चाओ गणतरीमां राखवा पड़े छे एक्जेक्ट वेल्डिंग कॉस्ट गणवा માટે। તો આટલા મુદ્દાઓ આપણે આર્ક વેલ્ડિંગમાં યાદ રાખવાના છે। આ બધા ફેક્ટર છે જે આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટમાં ધ્યાનમાં રાખવા પડે છે, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ આર્ક વેલ્ડિંગ કોસ્ટ। ઓકે, સો આજના લેક્ચરમાં આપણે બે ટોપિક શીખ્યા, એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ ઇન વેલ્ડિંગ એન્ડ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ વેલ્ડિંગ કોસ્ટ। આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બોથ ધીસ ટોપિક્સ। થેન્ક યુ।